है उसमें काफी गंभीर बातें कही है कि राज्य सरकार उनके ऑफिस की रेकी करवाती है, राज्य सरकार आरोपियों को विशेष सुविधा भी देती है, राज्य सरकार कोई मदद नहीं कर रही है, जो मांगे गए या जो कार्रवाई की अपेक्षा की गई वह भी नहीं की गई, ना दस्तावेज दिए गए। ये हालत बहुत चिंताजनक है। किसी राज्य के खिलाफ न्यायालय में शासकीय एजेंसी टिप्पणी करती है तो हमें सोचना चाहिए कि समाज को क्या चाहिए। मुख्यमंत्री अब भ्रष्टाचारियों को संरक्षण दे रहे हैं, विधानसभा में भी निर्भीक आरोपियों का पक्ष लेते हैं। केंद्रीय एजेंसी ईडी को अपने निशाने पर रखना सीबीआई को बैन करना कायरता व भय दर्शाता है। प्रवर्तन निर्देशालय अर्थात ईडी ने छत्तीसगढ़ के शराब घोटाले में कोयला की लेवी वसूली में जो चालान प्रस्तुत किया है उसमें बहुत ही गंभीर बातें कही हैं कि राज्य सरकार उनके ऑफिस की रेकी करवाती है, राज्य सरकार आरोपियों को विशेष सुविधा देती है, राज्य सरकार की कोई मदद नहीं कर रही है, जो मांगे गए या जो कार्रवाई करने की अपेक्षा की गई वो भी नहीं की गई, न दस्तावेज दिए गए। ये हालत बहुत चिंताजनक है। किसी राज्य के खिलाफ यदि न्यायालय में शासकीय एजेंसी टिप्पणी करती है तो हमें सोचना चाहिए और समाज को सोचना चाहिए। भूपेश बघेल जी के, माननीय मुख्यमंत्री जी के अब तक के दृष्टिकोण से ये लगता है कि भ्रष्टाचार को उनका संरक्षण है। विधानसभा में भी उन्होंने आरोपियों के पक्ष में बयान दिए थे, जो छत्तीसगढ़ की विधानसभा में पहली बार हुआ। यदि मुख्यमंत्री जी वास्तव में छत्तीसगढ़ के हित चिंतक हैं तो उनको सीबीआई जांच से प्रतिबंध हटाकर स्वतः पहल करके ये जांच सीबीआई को देनी चाहिए। हम सब की भी मंशा है कि ये जांच सीबीआई को दी जाए, छत्तीसगढ़ में नीरछीर न्याय हो, छत्तीसगढ़ में दूध का दूध पानी का पानी हो। छत्तीसगढ़ की जनता जानना चाहती है कि ईडी घोटाला, शराब घोटाला कितने का है। छत्तीसगढ़ की जनता जानना चाहती है कि लेवी कितनी वसूली गई और किसके किसके जेब में गई। इसलिए ये आग्रह है कि इसके जांच सीबीआई से करवाने के लिए मुख्यमंत्री जी एनओसी दें और जांच करवाएं।